बीजेपी का क्या हो तुम? बीजेपी का सर मैं कुछ नहीं हूँ, हमारे फैमिली मेंबर में। फैमिली मेंबर में क्या है? जी सर वो सांसद है। कौन नाम है? कौन? वो मौसा जी है सर, सुशील कुमार। कहाँ के सांसद है? इस बार जो हत्याकांड जो बनाया है, क्यों हत्याकांड बनाया आपने, क्यों ये कांड किया? तो यहाँ कितने का सामान लूटे आप लोग? करीब पुलिस कमजोर है तुम्हारे हिसाब से कि मजबूत है? बहुत मजबूत है। जोर से, जोर से, जोर से। मतलब तुम तो उत्तर प्रदेश पुलिस को देखे हो, बिहार पुलिस देखे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस नमस्कार। मेरा नाम यशवंत सौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। अमलेश्वर में सराफा कारोबारी की हत्या मामले में दुर्ग पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि दुर्ग पुलिस लगातार इस पर काम कर रही थी और 24 घंटे में इस पूरे मामले को एक्सपोज करके दुर्ग पुलिस ने एक तरह से कहा जाए तो अपने नेटवर्क को ये साबित कर दिया है कि उनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। बहुत जो हाईटेक जो संसाधन हो सकते थे उन सब चीज़ का फायदा उठाकर दुर्ग पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। इस मामले में चार आरोपी हैं और चारों ने इस वारदात को अंजाम दिया है लूट के इरादे से। बड़ा सवाल यही था कि आखिर सुरेंद्र सोनी की हत्या इन चारों ने क्यों की? पटना के रहने वाले हैं, कोई झारखंड का रहने वाला है। चारों जो आरोपी पकड़े गए हैं, ये चारों दोस्त भी हैं और उनमें से एक जो है गाड़ी का ड्राइवर है, जो उसका संलिप्त सिर्फ एक ही काम था कि गाड़ी चलाने का काम था। हालांकि वो भी घटना में चुकी, जिस गाड़ी में वारदात को अंजाम दिया गया है उस वारदात की गाड़ी को वो ऑपरेट कर रहा था, चला रहा था, तो इसलिए उसका भी नाम है। इस मामले में एक महिला का भी नाम बताया जा रहा था कि महिला बार डांसर भी है, जो मुख्य आरोपी अभिषेक झा की पत्नी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसका इधर इस मामले में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए उस तक पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। अब सवाल उठता है कि चारों आरोपी आरंग क्यों आए थे? आरंग आने के बाद इन्होंने रैकी क्यों की थी? 4 से 5 दिन तक रैकी की थी और रैकी के दौरान वारदात को अंजाम सिर्फ समृद्धि ज्वेलर्स के जो मालिक है, समृद्धि ज्वेलर्स को ही टारगेट क्यों बनाया, ये सवाल था। तो दुर्ग एसपी ने बताया कि इस मामले में जब उनसे पूछताछ की गई, उन्होंने बताया साफ साफ कि उनका टारगेट कोई ज्वेलरी शॉप था। उस ज्वेलरी शॉप में ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि समृद्धि ज्वेलर्स ही हो या सुरेंद्र सोनी ही हो। वो कोइंसिडेंस चूंकि आरंग का रहने वाले थे, चारों बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले काफ़ी कुछ तैयारी कर रखी थी, रैकी कर रखी थी। 18 तारीख से लेकर लगातार वो नज़रें बनाए रखे थे सुरेंद्र सोनी के ऊपर कि आखिर कहाँ जाता है, दुकान जो ज्वेलरी शॉप कब सुनी रहती है, तो उसमें ग्राहक कब ग्राहक रहते हैं, इन सब चीज़ों पर इनकी नज़रें लगातार थी। उसके बाद इन्होंने 20 अक्टूबर को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देते ही ये अलग अलग रास्ते से बनारस पहुँच चुके थे। जो दुर्ग पुलिस की जो टीम थी वो भी वहाँ पर पहुँची और लोकल जो पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इनकी मदद लेते हुए इन चारों आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आप ये सुनिए और इंटरोगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान क्या क्या बातें हुई आरोपियों के साथ में, ये भी आप देखिए। कसके बोलो यार। अनुपम कुमार। पहले फिर रायपुर में कितने अपराध किए हो आप? चार अपराध। कौन कौन से अपराध थे आपके? दो लूट का है, दो मर्डर का है। उस टाइम मर्डर किए हो, किसका मर्डर किए थे? राकेश जायसवाल का। क्यों किया था मर्डर? कहीं से ला के दिया था हमको सोना चांदी बेचने के लिए। इसी के लिए वो बेचने के काम में पैसा का लेन देन में थोड़ा सा ये डिस्प्यूट हुआ, तो आपने उसकी हत्या ही कर दी। इस बार जो हत्याकांड जो बनाया, क्यों हत्याकांड बनाया आपने, क्यों ये कांड किया? हत्याकांड में मैं संलिप्त नहीं था सर। हाँ, लूट में मैं दिखाया था, रेकी करवा के दिखाए थे लूट के लिए आप। तो ये यहाँ पे आके लूट करना है, इसकी किसकी सोच थी, ये किसकी प्लानिंग थी? जी मैं आप लेके आए थे। ये लोग कहाँ मिले आपको? पटना में मिले। कब मिले थे पटना में? दो तीन आने यहाँ आए, उसे दो दिन पहले 18 को आए, मतलब 16 तारीख को मिले थे इनसे। तो क्या बात हुई आपकी इनसे? एक महीना पहले मुलाकात हुआ था। तो एक महीना पहले मुलाकात हुआ था, उसमें तो क्या बात हुई थी? काम के लिए बोला था। ये लोग काम के लिए बोले थे, तो आपने क्या बोला? ठीक है, हम काम करवा देंगे। तो यहाँ कितने का सामान लूटे आप लोग? करीब वही जो है पैसा, अभी जो है पैसा बेच के वो पैसा आया आपके पास।
करीब कितने लाख की लूट हुई आपके हिसाब से? ढाई लाख की लूट के लिए आपने हत्या कर दी एक आदमी की? नहीं सर, हम बोले थे कि कुछ भी मतलब हत्या मत करना, कुछ हत्या करना। और कुछ कर देना, हत्या मत लूट करना। लूट कर लेना, लूट कर लेना, हत्या मत करना। हाँ, तो वहाँ से जब आए तो फिर वहाँ से निकले जी? किस किस गाड़ी में निकले वहाँ से पटना से? पटना से अपना फोर व्हीलर में मैं निकला। फोर व्हीलर में निकले ये तीनों साथ में? नहीं, तो टू व्हीलर में दो लोग, टू व्हीलर वो भी दोनों पटना से ही निकले जी? आकार आगे आगे, टू व्हीलर पीछे पीछे, ऐसे जी? मेरा एक ड्राइवर है इसमें। हाँ, उसको हम लिए थे, आलोक कुमार ड्राइवर है, इसको हम ले लिए थे गाड़ी चलाने, गाड़ी चलाने के लिए। पहले आए, पहले आरंग में आके रुके आप लोग रात? आरंग में क्यों रुके रात में? मतलब अपना केस भी था ना, केस भी था, केस था, तो लगा कि रायपुर में आएंगे तो पहचान लेंगे, तो पहचान लिया जाएगा, इसलिए हम आरंग में एक लाइन होटल पे रुक गए। और वहाँ अमलेश्वर में ही लूट करनी है, ये कैसे आप लोगों ने फैसला लिया? ये कंफर्म नहीं था, मैं रायपुर दिखा दिया, मैं बोला देख लो आप कहीं जो अच्छा लगे। तो ये अमलेश्वर ही अच्छा क्यों लगा? ये तो हम नहीं बता, हमको बताया तो फिर हम दिखा दिए रास्ता, रास्ता दिखा दिए अमलेश्वर का। हाँ, मतलब कहाँ कहाँ कैसे है रास्ता। तो एक दिन पहले जो रेकी किए थे, तुम भी आए थे क्या? कौन आए थे रेकी के लिए? रेकी के लिए तो यही लोग आए। तुम क्या कर रहे थे उस टाइम? हम अपना कार लेके अलग रहते थे। कहाँ लग रहे थे? खिलौरा तरफ रहते थे। आरंग में नहीं रुके तुम? नहीं, आरंग से आ गए थे ना। आरंग से आ गए, एक जगह नहीं रुक रहे थे कि मेरे पे केस है, तो केस है तो जब उधर चेंज करते रहते थे। गुड। तो जिस दिन, और ये कट्टा कहाँ से मिला है दोनों? ये कट्टा तो एक दोस्त दिया था वहीं पटना में। कितने में मिला, कितने पैसे में? पैसा उसमें नहीं दिया, फ्री में मिल गया। दोस्त दिया था, उसको कुछ पैसा मिलता, काम होता था। काम होता तो मिलता, कुछ मिला क्या उसको? नहीं सर, कल डूब गया तो पट्टा। दोनों वही दिया था, दोनों एक ही दोस्त दिया था। कहाँ से लाया वो? उधर बिहार है तो सर, वो तो अमलेश्वर में वो दुकान कैसे चेंज किया तो क्या तुम्हें मालूम था? यार एक एक करके तो ये क्यों था? ये अमलेश्वर में उस जगह पे करना है लूट, इसका डिसीजन किसने लिया? हमको बताया कि डिसीजन किसने लिया? इसने लिया, इसने लिया, इसने लिया, किसने लिया? हाँ, ये लोग देखा, बोला ठीक है। कौन बोला? दोनों लोग, दोनों लोग जो ये दोनों जो थे। ठीक, वहाँ लेकर कौन गया? तो यहाँ रायपुर क्या है नहीं, वहाँ लेकर कौन गया? देखी किया था तो बोला कि हाँ ठीक है, बोले ठीक है तो रास्ता हम दिखा दें, रास्ता दिखा दें। हेलो, कैसे क्या करो? छः बजे आएंगे इसी में होगा। के बाद ये लोग फुलमुरा तरफ से आया, मैं उधर ही था, क्या फुलमुरा के आगे जो कुशा बाबू ठाकरे वाला है उसके आगे खरोड़ा पड़ता है, वही में गाड़ी छोड़ के, गाड़ी में बैठ के कार में निकल गए। गाड़ी क्या छोड़े? गाड़ी छुड़वा दिए कि मतलब पीछा ना करें। छत्तीसगढ़ पुलिस हम यहाँ रहते हैं तो हम जानते हैं कि तो छत्तीसगढ़ पुलिस कमजोर है तुम्हारे हिसाब से कि मजबूत है? बहुत मजबूत, बहुत मजबूत है, जोर से, जोर से। मतलब तुम तो उत्तर प्रदेश पुलिस को देखे हो, बिहार पुलिस को देखे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस से हाँ पकड़ लेती है, बहुत ज्यादा हिट है। इसीलिए सर हम बोले थे कि कुछ भी करना हत्या, कुछ भी करना हत्या नहीं करना। ठीक, बाइक कहाँ से लिए तुम? नाम राजा, नाम दोस्त है वो सर, पहले बोला था कि अगर बाइक का जरूरत हुआ तो बताना, कम दाम में दिलवा देना। ऐसा क्या, कितने दाम में मिला तुम्हें? 4,500 बाइक मिल गया? 4,500 दिए उसको, नहीं दिए उस मालिक को? नहीं सर, 2-3 हजार रुपया दिए, बाकी कर देंगे। ठीक है, कोई 2-3 हजार दिए हो तो ठीक है, जो पैसा था सर वो दे दिए, दो था वो ले लिए। उसके बाद बोले उधर से आएंगे तो फिर मिलते हैं। तो तुम ये इसी दुकान को क्यों तो चुने? सर चुने, हम तो सर यहाँ सर फर्स्ट टाइम, सर रूट भी नहीं मेरे को देखा, फर्स्ट टाइम मैं इधर आया भी। ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद? सर देखे हैं सर, उसके बाद बोला यही ठीक रहेगा। फिर कौन देखा? हम दोनों सर देखे, ये दोनों देखे, ये बोला होगा ठीक है उसको कर लिए। लेकिन उस दिन तुम लोग हत्या क्यों करते, गोली क्यों मार दी? मैं सर पहले कभी जिंदगी में सर किया नहीं हूँ। हाँ, इसकी चार्ज में सर ड्रिंक किए हुए थे पहले से। तो ड्रिंक करने पे गोली मार दोगे तुम? सर पहले कभी कुछ किया नहीं था सर, डर गए थे। डर गए तो नहीं मारोगे ना, डर के मार दोगे? डर के तो नहीं मारते हैं सर, कुछ पहले एक्सपीरियंस नहीं था सर, कुछ व्यस्त। तो अब तो एक्सपीरियंस होगा तो और मारोगे तुम तो? सर अब कहाँ, सर अब कहीं जाएंगे तो? ऐसा क्या,
तो तुमको उम्मीद थी कि पुलिस पकड़ लेगी? बहुत उम्मीद था सर, भैया पहले ही बोल दिए थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, वहाँ का पुलिस बहुत एक्टिव है। ऐसा फिर से बोल। दिन के अंदर एक दो दिन के अंदर हम पकड़े जाएंगे सारे लोग। ऐसा जी सर। तो तुमको डर नहीं लग रहा था? डर तो बहुत लगा था सर, कहीं भी जाते तो आप लोग पकड़ ही लेते। ऐसा क्या? चलो गुड, चलो पूछो। सर इसका हाथ कैसे कटा? बम बांध रहा था। हाथ कैसे कटा तुम्हारा? सर पुराना केस भी पूछे सर, पुराना केस है। हाथ कैसे कटा तुम्हारा? 3 महीने का था सर, टिकारी रोड गया मैं सर, नानी के घर से छठ करके मम्मी लोग आ रहे थे, तभी एक्सीडेंट हुआ था सर। ड्राइवर पिया हुआ। पहले भी अपराध है क्या तुम्हारे नाम? नहीं सर, हमारे झारखंड में नहीं सर, बिहार में सर, कभी भी। बिहार में लड़की वाला केस? हाँ जी, लड़की वाला केस है तुम्हारा? वो सर बहुत पहले तो प्यार होता सर, बरी हुआ हूँ मैं, वो झूठा केस था। अरे गाड़ी कैसे चलाता है तू? हाँ जी, गाड़ी कैसे चलाता है? ये बाइक भी चलाता है, बहुत अच्छा कार भी चलाता है। बढ़िया बाइक और कार दोनों चलाता है, ऑटोमेटिक कार चलाता है। वो लड़की है, क्या केस है? वो सर बरी हुए थे सर, उसमें मेरे पिताजी खुद उस केस को लड़े थे। किस चीज का? सर वो आई थी सर हमारे पास, उसके पिताजी तो जो थे वो अपहरण का केस लगाए थे। ओ, अपहरण का केस? उसमें सर 20-25 दिन में मेरा बेल हुआ था सर। ऐसा क्या? उसमें मिला नहीं था। सर बीजेपी ने तो यही है ना? बीजेपी का क्या होता? बीजेपी का सर मैं कुछ नहीं हूँ, हमारे फैमिली मेंबर में। फैमिली मेंबर में क्या है? जी सर वो सांसद है सर। सांसद जी सर। कौन? कौन? वो मौसा जी हैं सर, सुशील कुमार सिंह। कहाँ के सांसद है? औरंगाबाद। सोनपुर से। किसी को जानते थे पहले से? कोई की नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। क्यों बताओ तुम उसी दुकान को क्यों तुमने चुना? यार तुम काम के ही ये है लंबा चौड़ा। तुम कुछ गेम से खेलते हो क्या? सर कैमो ड्रेस पहना था ये। हाँ, कौन सा गेम खेलते हो? रनिंग करते हो? कभी राज्य लेवल कहाँ तक गए हो? स्टेट लेवल तैयार नहीं करते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते, दौड़ते धूपते थे। तो तुम लोग इस काम में कैसे आ गए? ये मर्डर वर्डर करने के काम में कैसे आ गए? नहीं सर, हम पहले पंजाब कमाते थे। पंजाब कमाते थे फेसबुक द्वारा, मतलब फेसबुक किससे? मेरे। हाँ, उससे दोस्ती हुई? हाँ दोस्ती हुई। तो क्या बोले? नंबर उम्र लेन देन हुआ। हाँ, बात विचार होने लगा। बुलाए कि आओ। हाँ, हमारे हमसे मिलो। मिले तो हम फिर पंजाब से, तो फिर आए घर मिलने। फिर क्या हुआ? मिलने गए तो 2-3 दिन के साथ रहे। हाँ, तो कैसा लगा? कहाँ पर आया? डंडीवा। क्या बोले ये? नहीं कुछ नहीं बोले। फिर हम लोग इनको, इनके एक दोस्त से मिलना था पटना, तो पटना कंकड़वा कोई स्थान है वहाँ पर गए हम लोग, तो एक दुकान पर गए चाय पी रहे थे। एक भैया कार से अपने मतलब आए उसी दुकान पर, हम लोग अपने में चाय पी रहे थे, बात विचार कर रहे। की बताओ तुम गोली क्यों मार दिए उसको? गोली क्यों मारे? गोली क्यों मार दिए? नहीं सर, घबरा के। घबरा के कितना राउंड मारे? एक राउंड। वो कितना मारा? दो, तो 4 और 3 राउंड मारे दिख रहा है। एक तो मिस फायर राउंड गिरा। सबसे बड़ा बेवकूफ मैं ही हूँ क्या दुनिया में? नहीं सर, दो ये मारे, दो तू मारे। सिंगल शॉट ही मार दिए तू? तो क्यों मारे भाई? एक तो मार ही दिया था, तुमको मारने की क्या जरूरत पड़ गई? एक जब मार ही दिया था तुमको मारने की क्या जरूरत पड़ गई? मजे में, नशे में थे। तो नशा कब उतरा? अभी उतरा है? नहीं उतरा है। नहीं सर, तो तुम्हें क्या उम्मीद थी कि पुलिस पकड़ पाएगी? नहीं पकड़ पाएगी? नहीं सर, उम्मीद थी हमको। क्यों, कैसे? मर्डर था सर। ऐसा? चलो, तुम लोग को छत्तीसगढ़ की माटी में सेवा करने का मौका मिलेगा जेल में। दिन में 1:30 बजे अमलेश्वर थाना क्षेत्र के अमलेश्वर नगर में सोनी नामक सोने के दुकान के मालिक को दिन दहाड़े 4 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई देसी कट्टे से और वो एट द स्पॉट उनका डेथ हो गया। पुलिस ने हजारों CCTV, 100 से ज़्यादा टॉल का जो सूक्ष्म जांच किया, जिससे कि क्राइम में यूज़ होने वाले बाइक के नंबर की जानकारी मिली। उसे मालिक से पतासाजी की गई। मालिक द्वारा जो है बताया गया कि सौरभ सिंह नामक व्यक्ति इस गाड़ी को चला रहा था। सौरभ सिंह का फ़ोटो निकाला गया, उसका एक हाथ कटा पाया गया और वो CCTV में जो पिक्चर कैद हुई थी गोली मारने वाले, उससे मेल खाया। हमने CCTV को ध्यान से देखा तो ये भी मालूम चला कि बाइक के आगे एक कार चल रही थी। बाइक से उतरने के बाद ये लोग कार से आगे बढ़े थे। उस कार के मालिक से पता करने पर बताया गया कि उसने एक व्यक्ति को एक कार बेचा था, जिसकी पहचान दूसरे हत्यारे के रूप में हुई। हमने कार का जो मूवमेंट था टॉल से
उस नंबर का एसेस किया और जो फास्टैग जो पेमेंट होता है उसको हमने एनालाइज किया, तो मालूम चला कि पटना मुजफ्फरपुर होते हुए कार आई थी। हमें संभावना लगा कि उसी रास्ते से वापस जाएगी। हमने एडवांस टीम बनारस के पास भेजा और बनारस में जैसे ये टॉल में गाड़ी क्रॉस हुई हमने उसको मॉनिटर किया, उनके मोबाइल नंबर्स को हमने ट्रेस किया, मोबाइल लोकेशन उनका रेलवे स्टेशन के पास आ रहा था। पुलिस की थोड़ी सी डाउट होने पे वो ट्रेन से भागने की फिराक में थे, पुलिस द्वारा उनको घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया। उनके पास से हत्या में यूज हुए दोनों वेपन रिकवर हुए, जो 2.5 लाख का जो ज्वेलरी चोरी हुआ था वो मिला, लूट वाले ज्वेलरी को 1 लाख में बेचा था उन्होंने, वो 1 लाख रुपये कैश रिकवर हुआ। कहीं ना कहीं सीनियर अधिकारी DGP महोदय IG महोदय के लगातार मार्गदर्शन के कारण हमें ये सफलता मिली है। दूसरी चीज़, हमने विद इन डिफरेंट स्टेट्स से झारखंड पुलिस, UP पुलिस, UPSTF से लगातार हमें सपोर्ट मिला। स्टेट के दूसरे पुलिस, रायपुर पुलिस, बलरामपुर पुलिस, बिलासपुर पुलिस, सारे स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स से हमें सपोर्ट मिला। यही कारण है कि इतने ब्लाइंड मर्डर और ग्रूसम मर्डर को हम 24 घंटे के अंदर सॉल्व करने में सफल रहे और सारे साइंटिफिक एविडेंस के साथ इनको गिरफ्तार किया गया। सर, IG साहब ने इसमें इनाम क्यों घोषणा की? मेरी तरफ से 10,000 रुपये की इनाम घोषणा की गई है और IG महोदय द्वारा जो है 25,000 रुपये की इनाम की घोषणा की गई है। अनुपम झा जो है पहले से इसके खिलाफ 3 मर्डर और 2 लूट के अपराध हैं। पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को ये कोर्ट पेशी के दौरान पेशाब करने के बहाने फरार हो गया था, अपने गृहग्राम गया में जाके छिप के रहता था। अभी पुलिस पार्टी जाती थी तो ये फरार हो जाता था। निश्चित रूप से इसको पकड़ने से आगे भी अपराध रुके हैं, अन्यथा ये और लूट और मर्डर के दूसरे अपराध और कर सकता था। सर, एक महिला का भी नाम सामने आ रहा था इस पूरे मामले। इसकी अनुपम झा की शादी 1 हफ्ते पहले हुई है, लेकिन उसकी पत्नी बनारस में इसके साथ मिली थी, वापस आई थी। छत्तीसगढ़ में इसका कोई लोकेशन नहीं पाया गया है और इस क्राइम में इसकी कोई संलिप्तता अभी तक पाई नहीं गई। सर, ये अमलेश्वर को ही क्यों निशाना बनाया, क्या इसको कौन बुलाया था, ये कैसे ये हुआ? अनुपम झा रायपुर में पहले अपराध कर चुका है, वही इन तीनों को लेकर यहाँ आया था, क्योंकि दिवाली के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और भागना उसके लिए मुश्किल था। इन्होंने ऐसी जगह को चुना जो रायपुर से नज़दीक भी हो, भागना भी आसान हो, क्योंकि इस दुकान के दोनों तरफ 2-3 दुकानें बंद पड़ी हुई थी, वहाँ पे रोड में ट्रैफिक कम रहता था, लोगों का आवागमन कम रहता था। जिस दुकान को चूज किया वहाँ पे अकेला एक बुजुर्ग काम करता था, कोई साथ में काम करने वाला नहीं था और ये दो लोगों ने मिलकर नहीं लगा कि बुजुर्ग को ओवरपावर करके लूट कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने अपनी डकी के आधार पर इस दुकान को चुना। देखिए सर, ये लोग जिस जगह में मृतक का घर था आरंग, उसी जगह में ये रुके हुए थे, तो क्या इनका कोई ऐसा कनेक्शन सामने आया? क्योंकि अनुपम झा जो है रायपुर पुलिस उसको काफ़ी लंबे टाइम पर ढूंढ रही थी, इसलिए वो रायपुर के आउटर में रहना चाहता था और ये कोइंसिडेंस है कि लोग आरंग में रुके हुए थे। वीडियो खत्म हो गए भाई साहब, ये क्रिमिनल जो है वो पकड़े गए। अब एक लोगों की तो भाई शक्ल ऐसी लग रही थी कि वो क्राइम कर ही नहीं सकते, तो जो पहला था वो तो चलो लग रहा था वो मास्टरमाइंड था, वो उसके ऊपर मेरे ख्याल में 3 केस कत्ल के और भी चल रहे थे, वो पेशी पर भी इधर आया हुआ था। हाँ। पेशी भुगती उसके बाद ये, क्योंकि वो जो टारगेट था ना कई दिनों से उनके आगे पीछे, उसके मतलब जानकारी इकट्ठी करते रहे भी इसको कैसे टारगेट किया जाए, इसको कैसे लूटा जाए। अक्सर चोर डकैत जो है ना ऐसे टारगेट को निशाना लगाते हैं जो फिजिकली कमजोर हो। और देखो ना, अब सास की दो दुकानें बंद हैं, एक बुजुर्ग आदमी उस दुकान में काम करता है, रोड पर रश कम है, इनके लिए तो ये सब चीजें सुनहरी मौका पैदा कर रही थी। ये तमाम तर चीजें उनके लिए सुनहरी मौका पैदा कर रही थी, तो उन्होंने उस मौका, लेकिन ये जो गलती की ना इन्होंने उनको मारने की, कत्ल करने की, भाग जाते उसमें ये बड़ा कांड किया, तो चोरी डकैती भाई जो चुराना था चुरा लिया, ले लिया, मारो काम वापस निकल जाए। चोरी के बाद पकड़े जाते तो इतनी मतलब सजा नहीं होनी थी, अब जो होने वाली है इनको, तो ये खौफ भी ना होता। उम्र कह रही अच्छा, इनको उम्मीद भी थी कि हमने 2-3 दिन के अंदर अंदर पकड़े भी जाना, फिर भी खुद ही कह रहे हैं। वो तो हम पुलिस वालों के मुंह के ऊपर कह रहे थे यार, देख नहीं तो इन्होंने यही समझा छत्तीसगढ़ की पुलिस फुद्दू है,
क्राइम करेंगे निकल जाएंगे। मैं तो भाई सीधा कह रहा हूँ, वो हल्के में लिया तो चोरी की है, हल्के में ना लिया होता तो इनकी इनको पता होता कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ये बता चोर का काम अब मुझे चोरी करना ही होता है भाई साहब। तो पुलिस किस लिए होती है? क्राइम को कम करने रोकने के लिए कुछ करते हैं। दिखाया जा रहा है वो पंजाब पुलिस की तरह ना खुद के ही सीना चढ़ा कर रहा है। पुलिस का कोई जोर नहीं, कोई तोड़ नहीं, तोड़ नहीं है। पंजाब पुलिस हो गई हदर हमारे यहाँ भी ना, वो 8-10 दिन पहले की बात है, आपने क्या सुनी है? हमारे गांव के करीब ही था हमारा जो साड़ा सदर, उसके बिल्कुल सामने की बात है, एक घर के अंदर पिज्जा देने आए, एक भाई पिज्जा देने आया, 3500 रुपया उन्होंने लेना था उनसे। अच्छा, दो पिज्जे होंगे या एक होगा? दो होते हैं मेरे ख्याल में। वो पिज्जा देकर उसने पैसा मांगा, भाई अब पैसा दे दो, 10-20 मिनट हो गए, मैंने वापसी भी जाना है, काफी रात हो चुकी है। तो उन्होंने कहा भाई आप ठहरो थोड़ी देर, उसने कहा चलो 10 मिनट बाद। वो बंदा खुद बता रहा था कि 10 मिनट के बाद ना, मतलब कि हमने उसको फिर उसने कहा तो हमने कहा कि आप पैसे भाई हमने नहीं दिए, जाओ उखाड़ लो जो उखाड़ना है, जाओ मालकों को बता दो जिधर से पिज्जा लेके शॉप से आए हो। उसने बोला भी मैं गरीब बंदा हूँ, मेरी तो मजदूरी है, मुझे भी पैसे दो, मैंने जाकर देने हैं। बस इतनी बात करने के लिए एक बंदे ने गोली चला दी उसी जगह के ऊपर, घर के दरवाजे के सामने उसको कत्ल कर दिया। और दो दूसरे दिन जनाब वो पकड़े गए, चारों लड़के पकड़े गए। अब वो चारों के चार जनाब जो पिज्जा वाले थे वो उनके ऊपर केस, उनकी पूरी फैमिली को पकड़वा के बैठे हुए हैं। एक पिज्जे के ऊपर उस बंदे को कत्ल कर दिया, उसके दो छोटे छोटे बच्चे, कुछ बंदे इतने हिसाब 3500 दिए, बंदा मंगवा रहा है, तू नहीं दे सकता मंगवा ही ना। इतनी ईगो थी आपको के पैसा मांगने पे आपकी बेइज्जती होगी, ईगो हर्ट होगी, तो वो 3500 रुपया इज्जत से दे देते। तो वो भी जिस तरह गाड़ी से पकड़े गए वो बाइक से पकड़े गए, वो इज्जतदार बंदा पहले नंबर तो है। कुछ लोग बंदे होते ना वो जबरदस्ती इज्जतदार बने होते हैं, कि उनकी थोड़ी सी बेइज्जती हो जाए तो हालांकि गलत भी कर रहे हैं। अब इज्जतदार होता तो वो इज्जत से पैसे देता, भाई पिज्जा मंगाया ऑर्डर दिया भाई पैसे दो, वो बंदा जाए मजदूर बंदा उसका काम है। बिल्कुल, तो आपको इस तरह करना ही नहीं चाहिए। आप वो लड़के कह रहे थे हमारे इधर थाने में, आप तो जेल में उनको भेज दिया, वो कह रहे थे हाथ पा रहे थे, हम जिंदगी में कभी भी मैं ऐसा काम नहीं करे, एक बार माफी दे दो। इसके वालदेन को आपने कत्ल कर दिया, वो वापस आप आ जाएगा, उनके बच्चों को कौन मार। चलो दो बंदे तो भाई साहब स्ट्रांग थे, वो दिख रहा था चलो फिजिकली फिट थे, एक तो एथलीट था भाई साहब, कहता मैं रेस लगाता हूँ। अब रेस लगेगी, हाइट उसकी देखी वो भाई ने, यानी तुम एक का तो बाजू कटा, एक का बाजू कटा, वो अगर तो किसी जिस तरह की शक्ल थी ना वो तो भाई साहब भीख मांगने वालों की तरह लगेगा, भाई उसने ऐसे कर देगा भीख मांगने। नहीं ऐसा ना, उसने गोली भी नहीं चलाई, गोली भी चलाई नहीं, नहीं उसने नहीं चलाई, उसने भी एक दूसरे, और उसने भी चलाई दूसरे ने चलाई, उसने पहला किया, दूसरे ने वो गाड़ी का ड्राइवर ने किया था। बिल्कुल दोनों में, उसने जिसका बाजू नहीं था उसने दो फायर किए, और उसके बाद वो ड्राइवर था उसने भी एक बार जो लेकर आया उसने नहीं कुछ किया, दो बंदों ने गोली, वो इनको समझाते ही रही थी, लेकिन फास्ट तो हम चारों ही गए ना, बराबर के शरीक, बराबर के शरीक हो, चाहे वो गाड़ी चलाने वाला है चाहे वो उकसाने वाला है, फंस तो तारक भाई ये समय इनका 100 के रामले ढोने के बाद ये फर फर बोल रहे हैं या पहले, मतलब कितनी मारपीट होगी होगी शायद पहले, पहले नहीं इनकी सॉफ्टवेयर अपडेट अच्छे से हुई है, दो ही तोते की तरह बोल रहे हैं। ये दोनों भी आते हैं, उन्होंने सब कुछ ठीक ठीक बता दिया है, पहले तो बचने की कोशिश करते होंगे ना, पहले तो कितने कुछ ना कुछ मार पड़ी होगी। अच्छा जिस तरह सर बो रहे थे वो बाद में इंटरव्यू दे रहे थे, हमने इसकी जानकारी कैसे इकट्ठी की, कैसे कैसे पॉइंट इकट्ठे की उनको भेजे जिसकी वजह से पकड़े गए, भाई साहब सल्यूट बनता है उस पुलिस वाले के लिए, इसका भाई साहब ये था कि जाने के लिए भाई साहब 24 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए ये एजाज की बात है कि 24 घंटों के अंदर उन्होंने मुजरिमों को पुलिस अच्छे से काम करेगा तो क्राइम भी कम होगा और मुजरिम जब पकड़े जाएंगे उनको सजाएं दी भाई, जिस मुल्क में पुलिस पुलिस और अदालती निजाम वो मुल्क
तरक्की ही करता है। यकीन मानते अगर पुलिस ठीक काम करे ना, मैं तो जुर्म खत्म ही हो जाए। वैसे तो भाई मेरे हिसाब से जो जो ज्वेलरी वाली शॉप होती है ना, उनके इर्द गिर्द जो जो है ना, वो थोड़ा बहुत सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप तो चार चार गार्ड रखे हुए हैं हमारी मार्केट में। मैं गया उधर, देखा चार गार्ड रखे हुए एक दुकान। अब फैसलाबाद में जो क्राइम ना बहुत कम हो, वो किसकी वजह से? अब जो वो जो भी घूमते बाइक के ऊपर, वो शबाज शरीफ ने वो बनाई थी, लेकिन वो है तो है तकरीबन उनकी वजह से बहुत कम होगा। वो पीछे पीछे उनकी जो बाइक है वो देखिए धासू होती है, अपनी जान की परवाह किए बगैर भाई साहब वो जान नहीं छोड़ते। उनको ज्यादातर गोली चलाने की भी, और वो मारना भाई साहब आए दिन खबरों में फला जगह पर फलाने इनकाउंटर कर लूटते हुए मार दिया। आज देखा है बहुत कम है, फैसलाबाद में बहुत कम हो गया ये क्राइम कि वो लूट लिया मार दिया, ये कम हो गया। वो एक पिछले दिनों एक लड़की की बात हो रही थी, उसको ना कुछ छेड़छाड़ कर रखे इधर ही जो रोड है किनारे रोड के ऊपर। उस लड़की ने मोबाइल के साथ लड़कों को पता नहीं चला, उसने ना कॉल कर दी, एक मैं बड़ा वाला इदारा उसको कॉल कर दी, उन्होंने जोधपुर वाले उनको भेज दिया। वो लड़के उसके साथ छेड़खानी निकाल के लड़की के साथ फौरन एकदम सड़क के ऊपर वो आ गए डॉल्फिन वाले। उन्होंने बाइक स्टार्ट करते करते डॉल्फिन वाले ने उनको पकड़ लिया, और लड़की ने उनको कहा कि आप अल्लाह का शुक्र है भाई आप पहुंच गए, ये मुझे बड़ी देर से ना हिरासत कर रहे थे, मुझे खींच के बाइक पे बिठाना चाहते थे। पांच मिनट लगे डॉल्फिन वाले ने तीनों लड़कों को पकड़ लिया और पकड़ के ले गए, लड़की महफूज रही। बढ़िया जी बढ़िया, ये अच्छा काम है भाई साहब बता रहे हैं, अच्छे से काम करे। जो इनके जिम्मे का काम है भाई साहब, बंदा दिन रात जो मर्जी करता रहे कोई नहीं पूछ सकता। जिस तरह भाई साहब इन चोर को भी डर होना चाहिए, ये काम करते हैं इस तरह के आईपीएस ऑफिसर। इनका दिमाग तो डॉन टू की तरह चलता है भाई साहब, ऐसे ही बंदे को पकड़ लेते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी राय रूप तय कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, मीडिया के साथ तब तक के लिए इजाजत दें।